बिहार में बिजली संकट और गहरा गया है। बाजार से बिजली कंपनी को पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। सरकार ने बाजार से 20 रुपए की दर पर बिजली को खरीदा है। ऐसे में 1400 मेगावाट की बिजली प्रतिदिन खरीदारी हो रही है। एनटीपीसी के दोनों बिजली घरे तालचर और दरली पाली में उत्पादन पहले से ही ठप था। बुधवार को पवन ऊर्जा से भी 70% की कटौती के बाद सूबे का बिजली संकट और गहरा गया है। देर शाम 560 मेगावाट पवन ऊर्जा के कोटे में मात्र 150 मेगावाट की ही आपूर्ति हुई है। इससे पहले एनटीपीसी के बिजली घरों में गड़बड़ी के बाद 300 मेगावाट की कटौती पहले ही हो रही थी। संकट से जूझ रही बिजली कंपनी को बाजार से भी पूरी बिजली नहीं मिली है। केंद्रीय कोटे से भी बिहार को 1700 से 1800 मेगावाट कम बिजली मिली है। देर रात राहत की बात यही रही कि मांग में भी 200 मेगावाट की कमी आई है। मंगलवार को 5600 मेगावाट की जगह बुधवार की रात 5400 मेगावाट की ही डिमांड रही, पर सेंट्रल सेक्टर से पूरी बिजली नहीं मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ छोटे शहरों में भी 8 से 10 घंटों की कटौती हुई है। वहीं एनटीपीसी के तालचर और दरली पाली बिजली घर में उत्पादन शुरू नहीं। जी हां, सोमवार की देर रात एनटीपीसी के तालचर और दरली पाली बिजली घर में एक एक यूनिट का ट्यूब लीकेज हो जाने से वहां उत्पादन ठप हो गया था। तालचर की 500 मेगावाट के बिजली घर में बंद होने से बिहार को अचानक 206 मेगावाट बिजली की आपूर्ति अचानक बंद हो गई, जबकि दरली पाली बिजली घर 90 मेगावाट की आपूर्ति कम हो गई। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम हो का सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। सेंट्रल सेक्टर से बिजली आवंटन में कटौती और एनटीपीसी के बिजली घरों में आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण बिहार को बाजार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। बुधवार को देर शाम बिजली कंपनी ने बाजार से 20 रुपए प्रति यूनिट की कीमत पर 1400 मेगावाट बिजली खरीदी है। अभी सूबे का बिजली संकट कम से कम एक सप्ताह तक कायम रहेगा। वहीं कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ताप बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति मंगलवार को 20 लाख टन पार कर जाएगी। देश के विभिन्न बिजली संयंत्रों से इस समय कोयले की कमी से जूझ रहे हैं और इसके कारण बिजली का संकट पैदा हो रहा है। कई जगह कटौती करनी पड़ रही है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने नेशनल पावर पोर्टल के अनुसार कई राज्यों में प्लांट अपनी क्षमता से कम बिजली उत्पादन कर रही है।